बस आपको आवाज आ रही है। हेलो। वालेकुम जी, सलाम वालेकुम। आवाज आ रहे हैं? सलाम। ओके, बस क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो भी हैं 5 मिनट 10 मिनट वेट कर देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्लास को ठीक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है जी। ओके। बस आप वही अभी पार्ट वन की क्लास में भी थे आप। हेलो, बस आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रहे हैं जी भाई। जी, पार्ट वन की क्लास में थे आप अभी? मैं था, लेकिन उसमें एकदम से मैं डीसी हो गया। वो नेट में कुछ प्रॉब्लम आया था। आप अच्छा अपलोड अच्छा करेंगे तो मैं देख लूंगा हाँ, यूट्यूब पे। वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया अभी। ठीक है जो मैं देख लूंगा। एक तो आपको पता है कराची में लाइट जाने का और ये सब चीजें इतना ज्यादा होती हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। के साथ में। तो आप वैसे कराची ज्यादा से हैं? ठीक जी बिल्कुल कराची से। आप भी कराची से? नहीं, मैं तो असल में बेसिकली केपीके से हूँ, लेकिन रहता मैं रावलपिंडी में हूँ। चल ठीक है। अच्छा चले, मैं वहां से आप स्टार्ट करते हैं जी क्लास को, ठीक है? जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो हम ठीक है उसको ज्वाइन कर लेंगे, सही? अच्छा, ठीक है। कल हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक्स को डिस्कस करा था, ठीक है? जहाँ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करा था और फर्दर टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, सही? आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आता है, हर साल ही आता है। मतलब एक तरह से यूँ समझे 20% हमारे पास जो है, हमारा पेपर का 20% है। 100 मार्क्स का अगर हमारा पेपर है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से आएगा, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, पेपर का 20% हो गया। अब इसको सॉल्व करने में लाजमी सी बात है, जब हम इसको इसको प्रैक्टिस करेंगे, पास पेपर के क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, तो ये टॉपिक हमारी अभी 3-4 क्लासेस और भी लेगा। एक क्लास में टॉपिक कवर नहीं हो सकता। आज इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, सही? स्टेटमेंट का फॉर्मेट्स है, ठीक है? उसकी कैलकुलेशन वगैरह को देखेंगे, किस तरीके से हम स्टेटमेंट बना रहे होंगे इसको समझेंगे। आज के टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने हैं उसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। देखो इसको पहले समझो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हमारे दिमाग में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। हम क्या बना रहे भाई हैं, आपका ये स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रहा है, उधर से हो गया है? हाँ वेट वेट, अच्छा अभी आ रही है आपके पास? नहीं, अभी भी नहीं आया। मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लूँ शायद, अगर आ जाए, वेट एक लो सेकंड, लोडिंग हो रहा है। वेट एक सेकंड, मैं दोबारा से कर देता हूँ ठीक है जी। जी। अब देखें हाँ स्क्रीन अभी आ शेयर, गया। जी जी आ गया। ठीक है? अच्छा सही। अच्छा आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें एक तो है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सही? अब हम क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सही? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो भी गुड हम बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी गुड हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट को किस तरीके से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन हम एक स्टेटमेंट के थ्रू बता रहे होते हैं। उस स्टेटमेंट को हम किस तरीके से बनाएंगे उसको देखेंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही? मतलब जो हमारी कॉस्ट, जो हमारे पास इन्वेंट्री हमारी क्या हो गई, सेल आउट हो गई, उसकी कॉस्ट एट नॉर्मल और एट एक्चुअल। अभी नॉर्मल और एक्चुअल का क्या डिफरेंस है? नॉर्मल और एक्चुअल का डिफरेंस ये है कि होता क्या है, मैंने आपको कल बताया था, कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का, ठीक है? याद होगा आप लोगों को, एक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने कहा था डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि पर यूनिट कॉस्ट से आइडेंटिफाई हो जाती है, कि भाई हम उसको आराम से ट्रेस कर सकते हैं, सही? उसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम आराम से ट्रेस कर सकते हैं। और जो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते,
तो जब जो कॉस्ट हम ट्रेस नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, अपना एस्टिमेशन करते हैं। सही है। तो एक हमारी होती है एस्टिमेशन कि इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी इतनी लग जाएगी। सही। फिर जब एक्चुअल फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो लाजमी से बात है हमारी एस्टिमेशन कुछ ऊपर नीचे होती ही है। सही। तो हम एक तो डायरेक्ट कॉस्ट को तो सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो मसला ही है ना, पता लग रहा है इतने यूनिट बनाए हैं तो इतने यूनिट की कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट कॉस्ट तो ट्रेस हो गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रेस तो होती नहीं है, हमने क्या करा, अप्लाइड कहते हैं जिसको हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं ना, या प्री डिटरमाइंड बोलते हैं। कल याद होगा हमने एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी पढ़ी थी, हमने कहा था टाइम के हिसाब से कॉस्ट एक हिस्टोरिकल कॉस्ट हो सकती है और एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हो सकती है। सही। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि ऑलरेडी इनकर हो चुकी होती है, और जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है उसको हम फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये कॉस्ट हमारी फ्यूचर में इतनी लगेगी। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको नॉर्मल पे भी करते हैं और एक्चुअल पे भी करते हैं। नॉर्मल का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट कॉस्ट तो ऐड कर लेते हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट का हम एस्टिमेशन वाला पार्ट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो लाजमी सी बात है वो हमारे पास हमारी जो कैलकुलेशन होती है उससे मैच नहीं कर रहे होते। सही। तो हम क्या करते हैं उसको एबनॉर्मल पे लाने के लिए, एक्चुअल पे लाने के लिए, तो जो भी डिफरेंस होता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट तो लग गई, मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट कॉस्ट लग गई 3 लाख की, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने एस्टिमेट करी थी, मैंने कहा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 2 लाख लगेगी, तो ये टोटल हो गई 5 लाख। तो 5 लाख की टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी बन रही थी, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है मेरी 2.5 लाख की लग गई। सही। तो अब होगा क्या, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल पे कैलकुलेट हुई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल पे कितनी कैलकुलेट हुई, 5 लाख की। सही है, क्योंकि 3 लाख डायरेक्ट कॉस्ट और 2 लाख की मेरी एस्टिमेशन। सही। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी मेरी एस्टिमेशन से ज्यादा हो गई, 2.5 लाख की लग गई। सही। अब जो 2.5 लाख की कॉस्ट लगी है तो मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 5.5 लाख की हो गई। सही है, बात समझ में आ गई है मेरी बात, कि नॉर्मल और एक्चुअल का फर्क क्या है। आप लोगों को नॉर्मल और एक्चुअल का फर्क समझ में आ गया है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी जी करेंगे तो जी 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 भाई, समझ आ गया बिल्कुल। बाकी स्टूडेंट्स भी एक दो अगर बता दें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चैट में आप बता दें, चैट में मैसेज कर दें नॉर्मल और एक्चुअल, क्योंकि ये आगे हमारे पास अभी क्वेश्चंस में आएगा ना, फिर वहां आपको कोई प्रॉब्लम ना करे, ये कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर कर लें इसको। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। हेलो बाकी स्टूडेंट्स, कहीं तो रिस्पॉन्स करो यार, चैट में बता दो या माइक में बता दो। हाँ बिल्कुल, एक बार आप थोड़ा बता दें, उसने बताया तो आप बता दें फिर। चले मैं एक मरतबा फिर से बता देता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ ठीक गुड्स सोल्ड का मतलब है आपके, मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक तो हम निकालते हैं, देखें डायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको कहा था, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आराम से ट्रेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह समझते हैं कि मैंने कहा मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ। सही। उस 10 यूनिट पर जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, जो कि आराम से ट्रेस हो सकती है, उसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी वो 3 लाख की लगेगी। 10 यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है 3 लाख, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि ट्रेस नहीं हो सकती, यूनिट को देख के इनडायरेक्ट कॉस्ट का अंदाजा नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हमने अपनी एस्टिमेशन कर ली, हमने एस्टिमेट कर लिया कि 2 लाख की इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी। सही। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 5 लाख हो गई। तो ये जो 5 लाख की कॉस्ट है ये कॉस्ट कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पर हमारी ये कॉस्ट लगी। सही। अब एक्चुअल में जो हमने एस्टिमेट करा था कि 2 लाख की इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअल में 2.5 लाख की लग गई इन्वेंट हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही। तो अब जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्चुअल पे कैलकुलेट करेंगे तो उस 50,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब हम उस 50,000 को ऐड करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल आएगी वो कितनी आएगी, 5.5 लाख आएगी। बात समझ आई कि 3 लाख तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, वो तो ट्रेस हो गई, वो तो दोनों में सेम है, लेकिन अब जो हमने 50,000 कम कैलकुलेट करी थी, उस 50,000 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो हमारी 5.5 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल आएगी। अब बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। हेलो हेलो भाई, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो
जी, बंद हो गई थी आवाज आपकी, बंद हो गई थी, अभी आ गई। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट मैं बोलूं, कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने अभी क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया। आवाज आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये बताओ। जी ओके ओके, चलो ठीक है। अब हम अगर जिसको नहीं हुआ तो मैसेज में कर दे, या बाकी मुझसे क्लास के बाद व्हाट्सएप वगैरह पे मुझसे बात कर लिया, ठीक है? आप लोगों के पास नंबर तो है मेरा, मुझे प्राइवेट चैट में मुझसे पूछ लीजिए। सही, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब हम जा रहे हैं स्टेटमेंट की तरफ। सही, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट पर। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का। वैल्यूज को अभी हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, जो वैल्यूज है ना दीवी है, आप इसको अभी इग्नोर कर दो। सही, देखें कल हमने कॉस्ट के एलिमेंट पढ़े थे, याद होगा जब हम कोई किसी भी चीज को बनाते हैं तो हमारे पास तीन कॉस्ट के एलिमेंट है। वो कॉस्ट के एलिमेंट क्या है? एक है मटेरियल, एक है लेबर और एक है फैक्ट्री ओवरहेड, या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं उसको, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हमने एक्सपेंसेस का नाम भी दिया हुआ था। सही, ये तीन तरह की कॉस्ट है जो कि किसी भी एक प्रोडक्ट पर लगती है, तो उसकी प्रोडक्ट हम की कॉस्ट हमें मालूम हो जाती है। तो अब हमें सारी बात यह कि मटेरियल कितना यूज हुआ, कितना मटेरियल हमने कंज्यूम करा, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ी। उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? याद होगा हमने पार्ट वन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह हम कैलकुलेट करते थे, उसके लिए हम परचेजेस लेते थे, उसमें बिगनिंग इन्वेंट्री ऐड करते थे। सही, उसमें नेट परचेजेस मालूम करते थे। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह का करने वाले हैं। रॉ मटेरियल वो जो ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। सही, ओपनिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, ये आ गया हमारे 2,40,000। सही, फिर हमने रॉ मटेरियल और परचेज करा। अब ये जो परचेज है ये रॉ मटेरियल का नेट परचेज है, याद रखें। ये जो रॉ मटेरियल का परचेज आपके सामने आ रहा है ये रॉ मटेरियल का नेट परचेज है। नेट रॉ मटेरियल हमने जो परचेज करा वो 10,00,000 है। सही, तो टोटल हो गया 12,40,000। ये हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, ये अवेलेबल फॉर यूज है, क्योंकि हमें अभी इसको आगे इस्तेमाल करना है, इससे प्रोडक्ट को बनाना है। सही, तो इस बात का ख्याल करिएगा। तो ये आ गया हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। सही, वो आ गया 12,40,000। सही, अच्छा अब ये टोटल हमारे पास मौजूद था यूज करने के लिए, लाजमी बात है एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास मटेरियल कुछ ना कुछ बच गया होगा। 2,80,000 का मटेरियल हमारे पास बच गया, इसका मतलब 9,60,000 का हमारा मटेरियल क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, यूज हो गया। सही, मटेरियल यूज मैंने निकाल लिया कि भाई इस दफा जो मेरी गुड्स मैंने बनाई हैं उसमें मटेरियल कितना लगा? 9,60,000। सही, मटेरियल किस की यूज निकालने की कैलकुलेशन समझ में आ गया? मटेरियल का यूज हमने किस तरीके से कैलकुलेट करा, ये बात सबके समझ में आ गई? जी जी हो गया, ठीक है, गुड। अच्छा, इसके बाद जब मटेरियल तो हमने मालूम कर लिया कि भाई ये, अच्छा ये जो मटेरियल हमने मटेरियल का यूज कैलकुलेट करा ना, याद रखिएगा ये मटेरियल का यूज डायरेक्ट मटेरियल है। सही है, ये मटेरियल यूज कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल। इस क्योंकि मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट मटेरियल ही हम ट्रेस कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल को ट्रेस नहीं कर सकते। सही, तो डायरेक्ट मटेरियल जो यूनिट के हिसाब से हमें पता लग गया, डायरेक्ट मटेरियल आ गया कितना? 9,60,000। इसमें हम ऐड करेंगे अपनी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर एक तरह से यूं समझें जो आसान लफ्जों में जो कारीगर होता है, जिसको हम यूं कहते हैं मिस्त्री, जो बोलता है भाई मैं एक यूनिट बनाने के इतने पैसे लूंगा। सही, डायरेक्ट कॉस्ट। सही, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लग गई कितनी? 16,00,000। सही, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इन दोनों को प्लस करो तो एक कॉस्ट आती है जिसका नाम है प्राइम कॉस्ट। सही, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को प्लस करो तो क्या आता है? प्राइम कॉस्ट आता है। सही, अब ये पता होना चाहिए जब भी आपसे पूछा जाए प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल आपने कितना यूज करा है उसको, और डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी लगी, उन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। सही, अब इस प्राइम कॉस्ट, ये तो हमें पता लग गया डायरेक्ट कॉस्ट जितनी थी, और इसके अलावा भी लेबर और मटेरियल के अलावा भी और अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है ना, तो उसको भी हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो वो भी प्राइम कॉस्ट का ही क्या होगी? पार्ट होगी। इसका मतलब ये प्राइम कॉस्ट में हम तमाम डायरेक्ट कॉस्ट को क्या कर रहे होते हैं? प्लस कर रहे होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हर वो कॉस्ट जो कि यूनिट से ट्रेस हो सकती है। सही, ये बात सवाल में वो आपको बता देता है कौन सी डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट। सही, अब हमने कहा कि भाई कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है। इनडायरेक्ट लेबर है, यानी फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो सकता है, उसकी सैलरी बता दी हमें, या कोई हेल्पर है उसकी सैलरी,
तो ये इनडायरेक्ट लेबर में आ गई। इनडायरेक्ट मटेरियल है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम चेयर बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमने टोटल ग्लू, तमाम चेयर्स बनाने में टोटल ग्लू हमने कितना इस्तेमाल कर लिया या कितनी कीलें हमने इस्तेमाल कर ली, सही है, और जो भी मटेरियल यूज होता है वो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, सही। अच्छा ये आ गया हमारे पास क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह प्लांट मशीनरी वगैरह लगी हुई, तो उस पर डेप्रिसिएशन लाजमी सी बात है, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो उसमें मशीनरी या प्लांट वगैरह लगा हुआ है, तो वहां पर उसकी कोई ना कोई डेप्रिसिएशन लगी होगी। उस जगह पर जहां पर आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जहां पर अपनी प्रोडक्शन कर रहे हो, वहां पर यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, सही है, उसका बिल आ रहा है, यूटिलिटीज में चला जाएगा, टेलीफोन वगैरह वहां पर यूज हो रहा है तो वो भी यूटिलिटीज में आ जाएगा, सही। और इसके अलावा आपके पास और भी हमारे पास जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, सही, ये हमारे पास टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट ही जो फैक्ट्री के कॉस्ट के नाम से हमारे पास आ गई, सही। तो अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को प्लस करा दो तो क्या आया था हमारे पास, प्राइम कॉस्ट आई थी, मतलब जितनी डायरेक्ट कॉस्ट थी वो प्राइम कॉस्ट थी और वो थी 25,60,000, सही। अब हमने जो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करी है वो है 7,60,000, सही। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सवाल में अक्सर पूछा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करें। फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है वो, और जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी है यहाँ पर फैक्ट्री में जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, सही, वो सब प्लस कर लो तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के सामने आ जाती है, जो कि हमारे पास कितनी लगी है 33,20,000, सही। अच्छा अब ये तो वो कॉस्ट है जो कि आपकी इस दफा लगी, सही, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको आगे सेल करते हैं, तो लाजमी सी बात है ऑलरेडी पहले से कोई वर्किंग हुई भी होगी तो उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, पहले से वर्क इन प्रोसेस में कितना काम हुआ हुआ था, तो वो वैल्यू कितनी थी 4,80,000 की, मतलब पहले से जो हमने वर्किंग करके रखी हुई थी वो हमारे पास 4,80,000 की वर्किंग पहले से हुई हुई थी। इस 4,80,000 में मटेरियल, लेबर और FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब आधी आधा काम हुआ था आधा नहीं हुआ था, एक तरह से हाफ कंप्लीट हुई थी या पार्शियल कंप्लीट हुई थी, सही है, ये आ गया वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, सही। और इस वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग में आपने ये वाला काम, ये जो 33,20,000 है, ये वर्किंग आपने इस दफा करी, तो टोटल पुट इन प्रोसेस कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब ये वो कॉस्ट है जो कि आपको क्या करनी है, टोटल मैन्युफैक्चर करनी है, या फिर हम इसको टोटल WIP भी बोल सकते हैं, टोटल ये जो लिखा हुआ है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, इसको हम टोटल WIP भी बोल सकते हैं, मतलब ये वो कॉस्ट है जो कि आपको टोटल मैन्युफैक्चर करनी है, टोटल बनानी है, सही। अच्छा अब लाजमी सी बात है जब आप जिस डेट पर, मंथ एंड पर या क्वार्टरली बेस पर अपनी स्टेटमेंट को बनाने बैठोगे, तो लाजमी जरूरी नहीं है कि आपने जितनी कॉस्ट आपको मैन्युफैक्चर करनी थी वो सारी पे सारी बन के रेडी हो गई, एंडिंग इन्वेंट्री हो सकती है WIP की, और हो सकता है एंडिंग इन्वेंट्री जीरो भी हो, आपने सारी कॉस्ट जा कर दी, बना दी, सारे यूनिट्स बन के रेडी हो गए, और या फिर हो सकता है कि कुछ गुड्स बनने से रह गई, तो 4,60,000 की गुड्स बनने से रह गई, कंप्लीट होने से रह गई, तो आपने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो टोटल WIP में से जब हम एंडिंग WIP को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब हमने जो गुड्स बनाई थी, जो गुड्स कंप्लीट होकर रेडी हो गई, मतलब फिनिश गुड में आ गई, मतलब इसको कहते हैं फिनिश गुड, मतलब रेडी कंडीशन में अब आप इसको सेल कर सकते हैं, इस कंडीशन में कितनी वैल्यू की 33,40,000 की जो गुड्स हैं वो रेडी कंडीशन में आ चुकी, फिनिश गुड्स की पोजीशन में आ चुकी, ठीक है, तो ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, सही। कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो वो यहाँ पर पूछें, ठीक है, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट पर, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, और जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है तो इशू नहीं है, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा जब YouTube चैनल पर, तो वहाँ से आप देख लिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, सही। और जिन्होंने अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर एक पूछ ले, जिन्होंने पूरी स्टेटमेंट समझी है, देखी है, तो वो पूछ सकते हैं सवाल को, कोई सवाल है आप लोगों के पास, मतलब नहीं, सर हो गया, समझ गए,
मतलब इतना चल रहा है कि मतलब सर इतना आला बढ़ा रहे हैं कि बस जो है ना, मतलब या मैं ये समझू मतलब खुद ही खुश हो रहा हूँ, मतलब बहुत ही आला बढ़ा रहे हैं और सबके सब समझ में आ रहे हैं ऐसा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अच्छा वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा मतलब चलो एक दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर सब कुछ ऊपर से जा रहा है, यह दो तो बिल्कुल ही कंडीशन समझ नहीं आ रहा। हाँ दो कंडीशन हो चलो सकती है। तो मैं जरा कंफर्म कर लूँ ना स्टूडेंट से, भाई सब समझ में आ रहा है मतलब, एक तो फिजिकल जी जी क्लासेस में बिल्कुल और ये दरअसल हम लोग सब यूज टू, टीचर्स भी दरअसल यूज टू नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के, तो अब वो होता है वो जो एक फिजिकल क्लासेस का एनवायरनमेंट होता है और एक ऑनलाइन क्लासेस का एनवायरनमेंट होता है, इसमें ऑब्वियसली डिफरेंस तो होता ही है। सही है, और अभी तक थोड़े बिल्कुल यूज टू नहीं है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स वहाँ तो रिस्पॉन्स फॉरन से आ जाता है, यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आता तो थोड़ी देर के लिए पूछना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, भाई जाग रहे हैं सब, कुछ सो तो नहीं रहा। हम तो सही बात है बिल्कुल। फिजिकल क्लास में बच्चे सो जाते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लास है। सही है सर, पता नहीं क्या बिल्कुल बोल जी रहे हैं सही सर, बात पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, पता नहीं अपनी कौन सी कहानी सुना। ठीक है अच्छा भाई, कोई जवाब भाई चैट में जवाब दे दिया करें आप लोग, यस और नो का कि समझ आ गया ओके हो गया सही, ताकि हम आगे बढ़ें। अरे भाई जवाब दिया करो, इतने माशाल्लाह अच्छे से पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो और क्या चाहिए, जगह उसका जवाब तो देना चाहिए। चलो चले अब मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा है आप लोग, खैर हो गई आगे ओके गुड। चले नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। ठीक है अब हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है ये आप लोगों को मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों ने पहले भी बहुत मरतबा कैलकुलेट करी है, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते थे वहाँ हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम क्या करते थे, बिगनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज को प्लस करते थे क्योंकि वहां पर हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे थे। देखो यहाँ पर बिजनेस को भी समझना पड़ेगा, बिजनेस की नेचर को भी ना समझना पड़ेगा, या तो हो सकता है आप ट्रेडिंग बिजनेस करो, आप माल उठाते हो और आगे बेच देते हो, सिंपल ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस। माल उठाया जैसे रिटेलर है ठीक है, ग्रोसरी शॉप वाले हैं, वो एक जगह से स्टॉक उठाते हैं दूसरी जगह क्या कर देते हैं सेल कर देते हैं। सही, तो ये सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, आपको पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, सही, उस रॉ मटेरियल पे लेबर अप्लाई करते हो, लेबर की कॉस्ट लगती है, फिर उसमें आपके ओवरहेड्स लगते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है, फिर उसके बाद आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, उसमें से फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालते हो कि भाई ये गुड्स वो हैं जो कि आपने इस दफा बनाई हैं। लाजमी बात है ऑलरेडी बनी हुई भी हो सकता है आपके पास रखी हुई हो, फिनिश गुड ओपनिंग जिसको हम कहेंगे। तो इस दफा फॉर एग्जाम्पल इस दफा आपने गुड्स बनाई 5 लाख की, ऑलरेडी जो बनी हुई पड़ी हुई थी वो 2 लाख की पड़ी हुई थी, तो टोटल अवेलेबल फॉर सेल कितनी हो गई, 7 लाख की गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गई। सही, उसमें से एंडिंग फिनिश गुड को माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स छोड़ा जाएगी। ठीक है अच्छा अब आते हैं इसी स्टेटमेंट की तरफ, ये तो मैंने एक जनरल व्यू आपको बता दिया कि किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर जा रहे हैं। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ पर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल और एक्चुअल को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वाली बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी जो अभी मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर डिस्कस करी थी। सही अच्छा यहाँ पर हम पहली बात तो यही वही कैलकुलेशन है भाई, मटेरियल का यूज कैसे निकालेंगे, मटेरियल यूज निकालने के लिए ओपनिंग, अच्छा यहाँ पर वैल्यूज वगैरह लिखी भी नहीं है और कौन से टेबल में कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी, वैसे अगर आप सिंपल एक कॉलम में भी इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है ये। सही, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की आप लेंगे, सही, क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं मटेरियल का यूज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो मटेरियल का ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, उसमें नेट मटेरियल जो आपने परचेज करा उसको ऐड कर लें तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, उसमें से लेस कर दें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी मटेरियल की, उसको लेस करवा दें तो आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज आ जाएगा। मटेरियल यूज यानी कि डायरेक्ट मटेरियल यूज आपके पास आ गया, उस डायरेक्ट मटेरियल यूज में आप डायरेक्ट लेबर को क्या कर दें ऐड कर दें, आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। सही अच्छा अब जो प्राइम कॉस्ट आपके पास आ चुकी है इसके अंदर आप, मैंने कहा इनडायरेक्ट कॉस्ट आप क्या करोगे अपनी एस्टिमेशन लगाओगे कि भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी इतनी लगेगी, ये जो एस्टिमेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना इसको हम बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सही, इसको हम अप्लाइड बोल रहे हैं, ये हमने फॉर एग्जांपल प्राइम कॉस्ट हमारी आ रही थी 5 लाख की, हमने एस्टिमेशन कितनी कर दी 2 लाख की एस्टिमेशन कर दी कि भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है 2 लाख की लगेगी हमारी, तो उसको हमने ऐड कर दिया तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी हो गई 7 लाख की। सही है ये बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दिया, मतलब सारी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करी तो प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट के अलावा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी
वो हमने अपने एस्टिमेशन से 2 लाख की इनडायरेक्ट कॉस्ट ले ली, तो हमारे पास आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, सही। अब इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग को ऐड करके एंडिंग को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, ये हमने स्टेटमेंट अभी पीछे जो स्टेटमेंट पढ़ी वही स्टेटमेंट है, यहाँ तक तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड तक तो वही स्टेटमेंट जो हमने पीछे पढ़ी है, सही। बस में एक डिफरेंस ये आया कि हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में अप्लाइड एफओएच को लिया, सही। अच्छा, अब ये हमारे पास अप्लाइड एफओएच का मतलब एस्टिमेशन अपनी लिए, सही। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये वो गुड्स हैं जो कि हमने इस दफा बनाई है, सही। इसमें से इसमें हम ऐड करेंगे फिनिश गुड के बिगनिंग को, बिगनिंग फिनिश गुड ऐड करके एंडिंग फिनिश गुड को क्या कर देंगे। अच्छा, बिगनिंग फिनिश गुड ऐड करोगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। ये वो गुड्स हैं, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, ये वो गुड्स हैं जो कि आपने इस दफा इस टाइम पीरियड में क्या करी है, मैन्युफैक्चर करी है। और ये जो फिनिश गुड ओपनिंग है ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर के पास हो गई थी, से रेडी कंडीशन में मौजूद थी। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे ना तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, सही। टोटल आपके पास इतने गुड्स बेचने के लिए मौजूद थी, सही। इसमें से आप एंडिंग फिनिश गुड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल आ जाएगा, सही। एट नॉर्मल का मतलब है कि आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो एस्टिमेशन वाली यूज करी है, सही। अब आप क्या करते हो, अब आप चेक करते हो कि एक्चुअल रिजल्ट्स आपके पास आ चुके होते हैं कि आपकी एक्चुअल में इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी। अब एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट को अप्लाइड इनडायरेक्ट कॉस्ट से क्या करते हो, कंपेयर करते हो। मैंने आपको बताया था अप्लाइड इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने कितनी लगाई थी, 2 लाख की लगाई थी, सही है। मैंने कहा था प्राइम कॉस्ट है 5 लाख की और अप्लाइड कितनी है, 2 लाख, जो हमारी एस्टिमेशन थी 2 लाख हमारी क्या थी, एस्टिमेशन थी। हो सकता है एक्चुअल में हमारे पास वो जो है एक्चुअल में हमने एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए वो 1,80,000 की हुई, तो इसका मतलब हमने जो अप्लाई किया था वो अंडर अप्लाई हो गया। अंडर अप्लाई के केस में यहाँ पर हम अंडर अप्लाइड एफओएच यानी अंडर अप्लाइड एफओएच को ऐड करेंगे, सही। हो सकता है हमने जो एस्टिमेशन करी थी एक्चुअल रिजल्ट्स एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा आ गई, वो आ गई 2.5 लाख की आ गई, तो 50,000 ओवर अप्लाइड हो गया, तो हम क्या करेंगे उसको क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा समझे, हमने एस्टिमेशन करी थी 2 लाख की, जो अप्लाइड कॉस्ट थी हमारी कितनी थी, 2 लाख थी। अब हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, एक्चुअल रिजल्ट आ गया 1,80,000, सही। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाख को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ओवर अप्लाइड कर दिया, सही। हमने अप्लाई करा था 2 लाख यानी हमने एस्टिमेशन करी थी 2 लाख की, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो 180 के आए, तो 20,000 हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, ओवर अप्लाइड के नाम से माइनस करने पड़ेंगे, सही। लेकिन अगर सेम केस इस तरीके से हो जाए, हमने अप्लाई किया था 2 लाख, सही, लेकिन एक्चुअल में वो 2.5 लाख की लगी, ओवर मतलब अंडर अप्लाई हो गया, आपने एप्लीकेशन जो करी है, आपने एस्टिमेशन जो करी है अंडर एस्टिमेशन कर लिया आपने, सही। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, 2 लाख की यहाँ पर आपने एस्टिमेशन में बुक करके दिखा दी और 50,000 की आप यहाँ पर दिखा दोगे। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी वो एक्चुअल पे कहलाएगी, सही। अब ये अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आपके पास हो सकती है, या तो आपकी एस्टिमेशन, और अच्छा ये भी हो सकता है जितनी आपने एस्टिमेट करी थी पूरा एक्यूरेट वही एक्चुअल रिजल्ट आ जाए, और ये बहुत कम होता है, सही, शाज नादरे कभी होता है कि जो आपने एस्टिमेशन करी पूरी वही कॉस्ट निकल के सामने आ गई, सही। कुछ ना कुछ अंडर अप्लाई और ओवर अप्लाई हो ही जाता है, सही। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेटमेंट आप लोगों के समझ में आ गई। ओके, अच्छा, अब हम जो है इसमें लास्ट हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, उसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करेंगे स्टेटमेंट के स्टेटमेंट बनाने के लिए, जो स्केच है जो मैं आपको लेक्चर में दिखा चुका हूँ, सही, और ये चैनल पे अपलोड हो जाएगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, सही, तो वहाँ से आप देख भी लीजिएगा, सही। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही, इस क्वेश्चन को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्व आपने करना है, सही।
क्या कह रहे हैं रिक्वायर्ड देख लेते हैं। इसके रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की क्या बनानी है, हमें स्टेटमेंट बनानी है और उसके बाद हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट आप लोग बना चुके हैं पहले भी, ठीक है। जब आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब सेलिंग एडमिन सही है, और फैक्ट्री के अलावा, फैक्ट्री से अलावा जितने भी एक्सपेंस है उनको माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी, सही। अच्छा अब देखते हैं, यहाँ पर याद रखें जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है ना उसके पास इन्वेंट्री तीन पोजीशंस में मौजूद होती है, सही। एक होती है मटेरियल की फॉर्म में, एक होती है वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में, एक होती है फिनिश गुड की फॉर्म में। ये तीनों इन्वेंट्रीज हैं, ये तीनों हमारे पास इन्वेंट्रीज ही हैं। तो यहाँ पर इसने हमें जनवरी का डाटा भी दिया हुआ और दिसंबर का डाटा भी दिया हुआ, सही। जनवरी का डाटा का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्रीज, दिसंबर का डाटा दिया हुआ इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री। तो मटेरियल बिगनिंग, हमारे पास मटेरियल का बिगनिंग भी मौजूद है, मटेरियल का एंडिंग भी मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग भी मौजूद है, एंडिंग भी मौजूद है, फिनिश गुड का बिगनिंग भी है और एंडिंग भी है, सही। अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाने जा रहे हैं। देखो अगर आपके पास पेन रजिस्टर वगैरह है तो कुछ पॉइंट्स अपने पास नोट भी करते रहा करो, सही। अच्छा अब मुझे मटेरियल यूज निकालना है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मटेरियल यूज हम कैसे निकालते हैं। मटेरियल यूज निकालने के लिए हम बिगनिंग मटेरियल में ऐड करते हैं नेट मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज देखें ये दिया हुआ मटेरियल परचेज, तो मटेरियल परचेज को हम ऐड कर देंगे, सही। 10 मिनट्स में बता रहे हैं, मिनट मीटिंग एंड हो जाएगी, खैर 10 मिनट्स में हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा, सही। अच्छा 10 मिनट्स रहेगा बस क्लास क्लोज होने में हमारी। अच्छा मटेरियल का बिगनिंग, हमारे पास बिगनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इस मटेरियल में बिगनिंग मटेरियल में मटेरियल परचेज जो हमने करा है उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। हमारे पास मटेरियल इस्तेमाल, टोटल मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए इतना मौजूद है, उसमें से हम एंडिंग मटेरियल को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा मटेरियल यूज कितना हुआ, ठीक हो गई बात। मटेरियल यूज निकल गया, अब डायरेक्ट लेबर देख लो, डायरेक्ट लेबर कहाँ दिया हुआ है इसने, ये दिया हुआ। मटेरियल यूज में डायरेक्ट लेबर को क्या कर दो, प्लस कर दो। मटेरियल यूज में जब डायरेक्ट लेबर को आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करोगे अपना फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है कि अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस जहां पर जो फैक्ट्री में हमारे इनकर हो रहे हैं, जहां पर प्रोडक्शन हो रही है। तो अब हम इसमें से देखो, एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता, इसको छोड़ दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये तो ऑफिस इक्विपमेंट का है ना, इसको भी छोड़ दो, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में इसका भी काम नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फैक्ट्री इक्विपमेंट, हाँ ये आएगा, ये फैक्ट्री में हमारे पास क्या हो रहा होगा, काउंट हो रहा होगा। इसी तरीके से कह रहे हैं हीट लाइट एंड पावर, आगे लिखा हुआ है फैक्ट्री, इसका मतलब ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट होगा, इसको भी ऐड कर लेंगे, सही। इसी तरह हम, अच्छा ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड के टाइटल में ऐड कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, FOH लिखेंगे, उसके अंदर फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की हीट लाइट वगैरह, फैक्ट्री का प्रॉपर्टी टैक्स, फैक्ट्री का रेंट टैक्स, फैक्ट्री की सप्लाईज और मिसिलिनियस फैक्ट्री कॉस्ट, सही। ये सारी जितनी भी फैक्ट्री की कॉस्ट है इसको हम FOH के ऐड में ऐड कर देंगे, इससे हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। अब जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आया है उसमें प्राइम कॉस्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो। प्राइम कॉस्ट को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अगर आपके जहन में स्टेटमेंट में हमने जो पीछे पढ़ा था वहां से स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो आपके पास चीजें सामने आ जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में WIP बिगनिंग, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग को ऐड कर दो और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, सही। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो आई है उसमें से वर्क इन कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है कि ये वो गुड्स हैं जो कि आपने इस दफा बनाई हैं, सही। इन गुड में से अब आप क्या करेंगे, फिनिश गुड के बिगनिंग को ऐड कर देंगे, सही। आपके पास आ जाएगा इन्वेंट्री, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगी, क्योंकि अब ये गुड्स इस कंडीशन में है कि आप इसको बेच सकते हैं, सही। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो आपने इस दफा बनाई और फिनिश गुड बिगनिंग जो ऑलरेडी फिनिश थी, रेडी कंडीशन में मौजूद थी, इन दोनों को प्लस कर लिया तो आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। इसमें से हम लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री, जो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है।
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ चुका है, तो भाई सेल्स का फिगर मौजूद है आपके पास, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है ठीक है, और आ जाओ डेप्रिसिएशन है ऑफिस इक्विपमेंट का, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा ठीक है। इसके अलावा आपके पास है हेडक्वार्टर बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स है, ये आ जाएगा, ऑफिस की सैलरीज हैं ये आ जाएगा ठीक है, और इसके अलावा ऑफिस सेल्स सैलरीज हैं ये आ जाएगा ठीक है, और कुछ भी नहीं है सही। तो ये मैंने आपको जो टाइटल बताया ये सारे फैक्ट्री से हटके हैं सही, ये सारे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेके आओगे और अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको लेस कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी सही। तो आज की क्लास यहीं तक है, कोई बात नहीं समझ में आई तो उसको आप पूछ सकते हैं जी भाई, कोई सवाल है इस क्लास के हवाले से तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं भाई इसके ऊपर तो समझ गए, तो लास्ट में एक चीज पूछूंगा मैं अदर सब्जेक्ट्स के बारे में, थोड़ा एक इंफॉर्मेशन चाहिए था। अच्छा तो वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लिएगा ठीक है। ठीक है जी, ठीक है ओके सही। अच्छा बाकी जो भी है वो बता दें, समझ में आ गई, यहाँ तक कोई सवाल है आपका ध्यान में आ रहा है तो वो पूछ लें, हमारे पास जी आ गया समझ में, 4 to 5 minutes है हमारे पास क्लास क्लोज करने में ठीक है। अगर समझ में आ गया तो इसको हम क्लोज करते हैं सही क्लास को। आप एक काम करेगा, आप लोगों का ये टास्क है, होम टास्क है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को घर में सॉल्व करना है सही। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करा करो, जब मैं आपके पास लेक्चर दे रहा हूँ और स्लाइड आपके सामने कोई भी स्लाइड आ जाए ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल में लेक्चर देख रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा सही, या कोई भी स्लाइड है वो सारी आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएंगी। समझ में आ रही बात मेरी जी? हाँ, तो सारे स्क्रीनशॉट्स अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे ना तो लेक्चर आपके पास आराम से आराम बाद में बैठ के आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो रजिस्टर वगैरह सही। तो एक मरतबा मैं सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ आप दोबारा से, ताकि आप स्क्रीनशॉट्स अगर आपने नहीं लिए तो वो ले लें सही। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है सही, ये हमने बनानी, जो हमारा सवाल का पहला रिक्वायर्ड है वो यही रिक्वायर्ड सही, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हमने कहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नॉर्मल और एक्चुअल कैसे निकालेंगे। अच्छा याद रखें, जो सवाल मैंने आपको दिया है उसमें नॉर्मल और एक्चुअल वाली बात नहीं है, वो सिंपल इस वाले मेथड से सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आप इस तरीके से निकाल लेंगे, जो सवाल आपको मैंने होमवर्क होम टास्क में दिया है, सिंपल आप मटेरियल यूज निकालेंगे, डायरेक्टली लेबर एस्ट करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी ठीक है, उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड को क्या कर लोगे, फैक्ट्री ओवरहेड के जो लिस्ट है, जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे उनको इस तरीके से लिस्ट डाउन करेंगे और उस टोटल को ऐड कर देंगे इसमें, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, उसमें से WIP वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग को ऐड करके एंडिंग को लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें, और उसके बाद ये हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे एट नॉर्मल और एक्चुअल कब निकालते हैं ठीक है। पास पेपर आप लोगों ने परचेज कर लिए हैं, बीकॉम के पास पेपर हैं आप लोगों के पास? नहीं सर नहीं है, लेकिन बाय कर लेंगे जल्दी। हाँ उसको परचेज कर लें, क्योंकि होगा ये कि क्वेश्चन मेरे पास भी यहाँ पर सामने होगा और फिर मैं उसको जब एक्सप्लेन करूँगा तो वो क्वेश्चन को सामने रख के फिर और फिर उसको एक्सप्लेन कर, खैर वो तो पिक्चर भी सेंड की जाती है की जा सकती है, लेकिन आपके पास हो तो ज़रूरी है क्योंकि आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, होना ज़रूरी है। अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लें अपने पास सही। अच्छा क्लास में यहाँ पर क्लोज करते हैं, लेक्चर में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह चैनल पर, तो आप इसको एक मरतबा दोबारा से देख लेंगे चैनल पे जाके तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।